22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए लगभग एक महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी भी रामलला का दर्शन करने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही। रामलला के दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों की भीड़ आ रही है। रोजाना लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण आए दिन जाम की समस्या सामने आ रही है और लोगों को भगवान का दर्शन करने में भी परेशानी आ रही है। अयोध्या में राम भक्तों और अयोध्या वासियों की समस्या को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है। इस फैसले से राम भक्तों को रामलला के दर्शन करना बेहद आसान हो जाएगा। भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने रामलला के मंदिर तक एक नया पथ बनाकर रास्ते को आसान बनाने का निर्णय लिया है। योगी सरकार अब एक नया कॉरिडोर बना रही है। इस कॉरिडोर का नाम सुग्रीव पथ रखा है। इस कॉरिडोर की लंबाई 290 मीटर और चौड़ाई लगभग 17 मीटर होगी। पथ के 5 मीटर दोनों तरफ पैदल मार्ग के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुग्रीव पथ को बनाने में लगभग 11.81 करोड़ का खर्च आएगा। इसमें से 5.1 करोड़ का उपयोग जमीन खरीदने के लिए किया जाएगा। ये सुग्रीव पथ हनुमानगढ़ी और राम मंदिर परिसर के बीच भक्तों को आवाजाही के लिए आयातकार रूप में बनाया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को राम मंदिर तक पहुंचने का मार्ग और ज्यादा सुलभ हो जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारी भीड़ के कारण अयोध्या में भक्तों के मंदिर तक पहुंचने के लिए कई अस्थायी मार्ग बनाए गए थे, लेकिन भीड़ को देखते हुए अस्थायी रूप से की गई व्यवस्थाएं नाकाफी हो गई और अयोध्या में आगे रामनवमी जैसे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए इस मार्ग को बनाने का निर्णय लिया गया है।